क्षमता बंगाल के मिजाज को बदलने में, दबाने में कभी सफल होने वाली। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए इस बार भी जबरदस्त वार पलटवार और तकरार देखने को मिलेगी, क्योंकि मिशन 22 हासिल करने के लिए बीजेपी साल भर पहले से ही जिस तरह से धुआंधार तैयारियों में जुटी हुई है, उससे एक बात तो साफ है कि इस बार शाह मोदी की जोड़ी बंगाल में ममता बनर्जी को चौतरफा घेरने का पूरा प्लान बना चुकी है। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है, ये आपका प्यार है जिन्होंने उनकी नींद हराम करके रखी हुई है, ये आपका उत्साह है, आपका उमंग है, और उसीलिए उनको लगता है कि वो भी और साम्यवादियों के तौर तरीके अनुसार लोकतंत्र का गला घोंट करके, निर्दोष नागरिकों को परेशान करके, कार्यक्रम में आने वालों के लोगों की गाड़ियां जला करके, उनको लगता होगा कि वो अपना राजनीतिक गुल्ला सिद्ध कर लेंगे। तो वो समझ लें, न साम्यवादियों ने हिंसा को बंगाल को दबाया में सफलता मिली है, न टीएमसी की हिंसा बंगाल के मिजाज को बदलने में, दबाने में कभी सफल होने वाली है। और मेरे शब्द लिख करके रखिए, इनका जाना तय है। जिस तेवर के साथ शाह और मोदी बंगाल की रैलियों में भाषण दे रहे हैं, उससे ये तय माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की टीएमसी का बीजेपी हार्डकोर मुद्दों पर जबरदस्त घेराव करेगी, जिससे बच निकलना ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा कॉर्डर में सेंध, एंटी इनकम्बेंसी, ध्रुवीकरण, एनआरसी, हिंदुत्व जैसे 5 मुद्दे ममता बनर्जी के लिए घातक साबित हो सकते हैं। कॉर्डर में सेंध, पिछले 1-2 साल में टीएमसी के कई बड़े नेता ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, इससे राज्य में टीएमसी की जमीन काफी कमजोर हुई है। मौजूदा सियासी हालात पर नजर डालें तो बीजेपी अगर आज वाम दलों और कांग्रेस को किनारे कर मुख्य विपक्षी पार्टी बनने की ओर है, तो इसकी एक वजह ये भी है। हाल ही में सौमित्र खान, अनुपम हाजरा, अर्जुन सिंह, निशीत प्रमाणिक जैसे नेता टीएमसी का दामन छोड़ चुके हैं। इसके अलावा अर्जुन सिंह ने टीएमसी के 100 विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने का दावा करके कहीं ना कहीं ममता को चुनाव तक टेंशन तो दे ही दी कि आखिर अब वो कौन नेता है जो टीएमसी छोड़ने वाला है। एंटी इनकम्बेंसी, कहते हैं कोई भी सरकार कितना भी काम कर ले, आखिर में एंटी इनकम्बेंसी का डर उसे भी चुनाव में सताता ही है। ये डर कहीं ना कहीं साल 2012 से ही सत्ता में रही ममता बनर्जी को भी सता रहा होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब सत्ता में आई तो यहाँ की जनता ने उन्हें मौका दिया काम करने का, वो भी एक बार नहीं, दो बार। लेकिन करीब 8 साल से भी ज्यादा सत्ता में रहने के बाद अब एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, उससे तो यही लगता है कि जनता के पास अब बीजेपी के रूप में एक मजबूत विकल्प है। तो इस चुनाव में बंगाल की जनता बीजेपी की ओर भी जा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ध्रुवीकरण, पश्चिम बंगाल में 30% से भी ज्यादा मुस्लिम है, जिन्हें मुख्य तौर पर ममता बनर्जी का वोट बैंक माना जाता है। मुस्लिमों को साधने की वजह से ही कहीं ना कहीं वो सत्ता में बरकरार है, लेकिन बीजेपी उनकी इसी मजबूती पर जोरदार प्रहार करने का मन बना चुकी है। ममता सरकार में मुहर्रम के चलते दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी गई थी, इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी ने उस वक्त ममता सरकार पर जबरदस्त वार किया था। बीजेपी ममता बनर्जी पर एंटी हिंदू होने का भी आरोप लगाती रही है। यही वजह है कि ममता पिछले कुछ दिनों से सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना रही हैं, जो एक तरह से बीजेपी की जीत है। एनआरसी, अब बात करते हैं नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप यानी एनआरसी की। असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लागू हुई एनआरसी के बाद बीजेपी इसका क्रेडिट लेने से पीछे नहीं रही, और हकीकत भी यही है कि लंबे वक्त से अटका पड़ा एनआरसी ने असम में बीजेपी सरकार आने के बाद से ही रफ्तार पकड़ ली है।
यही वजह है कि बीजेपी अब असम के बाद ममता के बंगाल में भी सत्ता में आने पर एनआरसी लागू कराने का वादा कर चुकी है। हम बांग्ला विरोधी नहीं है, मगर ममता विरोधी जरूर है। तृणमूल कांग्रेस का विरोध करने में आया हूं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले संसद के अंदर एनआरसी पर चर्चा हो रही थी और ममता दी ने पूरे दिल्ली में एनआरसी का विरोध करने का काम किया। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को कहने आया हूं, ये एनआरसी क्या है? एनआरसी है आसाम के अंदर से विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर चिन्हित कर बाहर निकालने की प्रक्रिया एनआरसी है। इतनी बड़ी रैली है, लाखों लोग हैं, मुझे बताइए बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग अलग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ममता दीदी, एनआरसी आपके रोके से नहीं रुकेगी। ममता एनआरसी का शुरू से ही विरोध करती रही है। बीजेपी ममता के इसी डर को भुनाने के लिए चुनाव में एनआरसी का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी, जिससे हिंदू वोटर्स बीजेपी की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ये बात उन्हें भी पता है कि अवैध बांग्लादेशियों के बंगाल में घुसपैठ का नुकसान उनकी नौकरी और मेहनताने पर भी पड़ता है। हिंदुत्व। बीजेपी के जन्म के समय से ही हिंदुत्व और राष्ट्रभक्ति उसकी मुख्य विचारधारा रही है, जो विरोधी पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी करती रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भी बीजेपी के हिंदुत्व से मुकाबला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बीजेपी के हिंदुत्व से टक्कर लेने के लिए खुद को आगे बढ़ाती हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक उनकी मुट्ठी से बिखर सकता है। इसी मुश्किल में उलझी ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी बंगाल में फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को भी उतारने का पूरा प्लान बना चुकी है। भगवाधारी योगी तो एक दो रैलियां भी कर चुके हैं, और इन रैलियों के दौरान ममता और योगी में जो भिड़ंत हुई थी उसे सभी ने देखा भी था। ममता ने योगी का हेलीकॉप्टर रोका तो वो सड़क से ही बंगाल पहुंच गए थे रैली करने। मुझे याद है डेढ़ वर्ष पहले इसी बंगाल में शारदीय नवरात्र की दुर्गा पूजा और मोहर्रम का कार्यक्रम एक साथ पूरे देश के अंदर पड़ा था। बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व की टीएमसी सरकार ने मोहर्रम के कार्यक्रमों को अनुमति दी थी, दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों पर रोक लगाने का कार्य किया था। उस समय कोलकाता हाई कोर्ट ने यहाँ की सरकार को जोरदार फटकार लगाई थी, और मुझे बताया गया, जब मुझसे पूछा गया, हमारी सरकार से पूछा गया उत्तर प्रदेश में, कहा कि कैसे आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में न दुर्गा पूजा में कोई रोक है, न जन्माष्टमी में कोई रोक है, न शिवरात्रि में कोई रोक है, हर पर्व और त्योहार हम शानदार तरीके से मना सकते हैं, सरकार सुरक्षा की गारंटी देती है। और मैं आपसे कह सकता हूं, आज मैं एक ट्वीट देख रहा था सुश्री ममता बनर्जी का, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि यूपी संभलने रहा है। मैं बोलना चाहता हूं ममता जी से, यूपी बहुत अच्छे तरीके से संभल रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटका कर वैसे ही चलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गुंडे अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं और कहते हैं कि हमें बखस दो, अब हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे। योगी के अलावा मोदी, शाह, शिवराज सिंह चौहान भी ममता को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरेंगे, जिससे बच पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो पश्चिम बंगाल की लड़ाई में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी इन पांच मुद्दों के साथ मैदान में उतरेगी, जिसके सहारे वो बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से कम मिशन 22 से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। बीजेपी की लड़ाई को कांग्रेस और वाम दलों ने भी एक तरह से आसान बना दिया है। कांग्रेस और वाम दल बंगाल में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होगा।
ऐसे में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस और वाम दल सेंध लगा सकते हैं, तो वहीं हिंदू वोट बैंक का बीजेपी की ओर झुकाव हो सकता है, जिससे ममता के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है।